हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला का छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग, उम्मीद करूँ कि सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूँ, मैं हूँ पूनम पंकज नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटा बाग से। और आजकल मैं आई हूँ अपने मायके, मायका है मेरा हल्द्वानी। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1:45 बजे से। ये रहा हमारा शुभी बच्चा। हाय, जय बोल दो सबको। जय। कितना बड़ा होना है आपको? इतना बड़ा। तो हम आए थे यहाँ पे नेगी जी को छोड़ने के लिए, तो कल नेगी जी चले गए हैं और आज हम जा रहे हैं ससुराल को वापस। तो 2:30 बजे की बस है मेरी। खाना पीना हो चुका है हमारा और हम लोग तैयार भी हो चुके हैं, सारा सामान पैक हो चुका है। तो चलो फिर चलते हैं। कोटा बाग का जो बस स्टेशन है वो है मुखानी पे। तो पापा मम्मी आ रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। शुभ, आ जाओ बेटा। क्या कर रही हो? चले चलो, आ जाओ, चलो चलो, शूज पहनेंगे, चलो। अच्छा, पहले मुझे शुभ नहीं लगाने देती है। दो बज गया है। ठीक है अम्मा, पहला। अरे नीचे कहाँ आओगे आप, थक जाओगे, कोई बात नहीं। चलो चलो, ठीक है अम्मा, पहला बाय। हाँ पानी बोतल, चलो सामान पापा लेके चले गए हैं। बाय भैया। हाँ, चलो। तो मम्मी कुछ फूल के पौध भी रख रही है। परेशान कर रही है शुभी। कुछ परेशान तो कर रही है शुभी को। ये गाड़ी चाहिए है शुभी। शुभी कंचू माँ से आ गई। हेलो कंचू, कहाँ से घूम के आ रहे हो? बुआ है वो अपनी, वहाँ गई होगी। हेलो सुभी, सुभी गाड़ी चलाने में बिजी है। वैसे किसने बताया? खुद ही से, खुद से आइडिया लगाती हो ऐसा चलेगा करके। सुभी आ जाओ, मौसी की गोद बड़ी चले गई। तो आ गई मौसी की गोद में ना। मेरे को भेज देना, ये देगा। देखो अब दूसरी गाड़ी देख ली शायद से, लेने कहाँ चलेगी। बॉल देख लिया। अच्छा बॉल देख लिया। अब सुबह बेटा आप तो, आपके पास भी आ गई बॉल। बॉल की दुकान ही होती है इस वक्त। बाय 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 शुभ। बाय बाय सुबह। तो 2 बज गया है, 2 बजे हम लोग निकल चुके हैं घर से। और मौसम भी आज हल्का हल्का बारिश वाला मौसम हो रहा है। सही है, मतलब अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उतनी उमस नहीं हो रही। कभी कभी तो इतनी उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम पहुंच गए हैं मुखानी बस स्टेशन पे और अभी बस चलेगी। 3 बजे भी 2:30 बज रहा है। वो देखो वो वाली है हमारी वाली बस, और एक बस जो है वो भर गई है, वो जाने लग गई है। बस 3 बजे निकलेगी हमारी बस। तब तक मम्मी पापा हम लोग बाहर आ गए हैं। तो बस स्टार्ट हो चुकी है और मम्मी पापा हमें छोड़ के चले गए हैं। जय घर जा। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर। देखो हट बेटा, चलो। हाँ सोई थी ये। सब दूर से जोड़ के आई भाई। मर पहला जीतते रहो, ठीक है तू? हाँ ठीक है। हाँ ये तो हाय भाई, दादी के हाथ में क्या लगा है? दादी के हाथ में इधर चप्पल पहनने का बाबू। रुको रुको, शुभ रुको अंदर है। बाबू जय बोलो, जय बोलो, दादी से जय बोलो। ऊपर टैंकी को भरी है या उखल गया? गोलू शुभी के लिए साइकिल लेके आया हूँ।
शुभी बैठेगी अभी साइकिल में। डर भी तो लगती है शुभी को भी। शुभी चल चल बोलू, बैठ बैठ, दादू बिठाएंगे। तो अभी आए थे हम लोग यहाँ पे नीचे वाले घर पे कपड़े चेंज करके, अभी फिर से जा रहे हैं ऊपर। अच्छा तो नहीं लग रहा है, थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या है कि कुछ दिन आदत बन जाएगी, थोड़ा थोड़ा काम में बिजी रहेंगे ना फिर आदत बन जाएगी। स्टार्टिंग के कुछ दिन बुरा लगता है थोड़ा सा। हाँ शिबू को भी लग रहा है, पापा को मिस कर रहे हैं आप, है ना। तो अभी शाम के टाइम पे ना थोड़ा मच्छर काटते हैं, इसलिए शुभी को फुल स्लीव की टी शर्ट और फुल पैजामा पहना दी है। तो चलो फिर अभी चलते हैं ऊपर। शुभी का पानी भी पकड़ लिया है, और आपको बता दूं कि अभी धान रोपाई की तैयारी चल रही है हमारे वहाँ पर भी। मम्मी पापा ऊपर धान का बीना उखाड़ रहे हैं, और कल को है हमारे वहाँ पर धान की रोपाई। चलो फिर चलते हैं ऊपर, मैं शाम की कुछ सब्जी भी तोड़ के लेके आऊँगी खेत से, और मम्मी पापा से भी मिलाती हूँ आपको। तो ये देखो मम्मी लोग यहाँ पे धान का बीना उखाड़ रहे हैं, धान की पौध, धान की पौध। कल धान वो करेंगे ना, ट्रैक्टर आ गया ये। हाँ कल धान की रोपाई होने वाली है, तो ये देखो इतना उखाड़ दिया है। हाँ फिर लगाएंगे। अच्छा पहले सवाई, सवाई में क्या होता है ट्रैक्टर से? अच्छा ट्रैक्टर से पूरा बराबर करते हैं, पट्टे। अच्छा पट्टे बनाते हैं, उसके बाद पानी रुकने वाला, फिर पानी लगाएंगे, फिर होगी रोपाई। तो ये देखो ताई भी हमारी हेल्प करने के लिए आई है। ताई भी आई हुई है, पुराने वैज्ञानिक आए हैं ना, से उखाड़ने हुई पौध। हाँ अच्छा हरियाली छा रखी है अभी तो, यहाँ पर प्रेम भी पुराना है। पुरानी दोस्ती, पुरानी दोस्ती, हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ और यहाँ पे गोभी की पौध भी हो गई है। हाँ तभी तो हो रही जल्दी बाजी फिर। हाँ सबके लिए जगह चाहिए, सबको लगाने के लिए। इसमें गोभी तो आएंगे। हाँ क्योंकि अभी तो ये सब यहाँ पे लगा रखा है ना, अभी इन सबको इस वाले खेत में लगाएंगे पूरा, वहाँ पर भी हो रहा है। अरे डालने लग गए लड्डू तो। अच्छा मैं तो क्यों अच्छा यार ऊपर बेर को लगी हूँ तोरिया तो कैसी डाल। वहाँ पे तुरई और ककड़ी के लिए भी जाल बन गया है उस साइड पे, देखो अभी रह रहा है यार। हाँ तो अच्छा तो ये देखो यहाँ पे ना तुरई और ककड़ी के लिए जाल बन के तैयार हो गया है, और बेल भी आ चुकी है। ये देखो ये है तुरई की पौध, कहीं पर ककड़ी है कहीं पर तुरई है, तो बस सबके लिए जाल बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे मम्मी पापा ने भिंडी की खेत से ना जो खरपतवार है वो निकाल दिया है, फिर दोबारा और उगने लगे, लेकिन यह है कि हाँ अब साफ भिंडी दिखाई देने लगी। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से मैं, ये देखो ये भिंडी लगी लगा रखी है यहाँ पे पूरी, और इसमें से मम्मी पापा ने एक बार खरपतवार निकाल के इसमें गुड़ाई कर दी है, ये देखिए। तो यहाँ पर ना मम्मी लोगों ने टमाटर का बीज भी बो दिया है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए जो साड़ी से पूरा ढक रखा है ना, इसमें टमाटर बो रखा है, ये देखो। और उस साइड से भी गोभी है, उस साइड पे जो हरा हरा दिख रहा है, और यहाँ पे टमाटर का बीज बो रखा है, ये देखो। तो आजकल लगातार काम चल रहा है यहाँ पर। शुभी को छाता बहुत पसंद है, छोटी मिल जाए चाहे बड़ी मिल जाए, संभाल नहीं पाएगी। अच्छा वो वाली, ये हमारा शुभी बच्चा। हाँ क्या हुआ, कहाँ गए शुभी, कहाँ छुप गए? ये रहा शुभी, ये रहा शुभू, ये छम,
शुभ से छाता भी नहीं पकड़ी जा रही ना। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, थोड़ा बहुत सामान सेट करती हूँ, फिर करती हूँ खाने पीने की तैयारी। बस टाइम से खाना पीना खा लेंगे क्योंकि कल सुबह से ही धान की रुपाई की तैयारी शुरू हो जाएगी। कोटाबाग में आजकल धान की रुपाई का ही काम चल रहा है, और आपको नीचे जाला गाँव दिखाती हूँ, वहाँ लगभग सभी ने धान की रुपाई पूरी कर ली है। ये देखो ये रहा जाला गाँव, यहाँ पर सब ने धान की रुपाई कर ली है। ये देखो दूर दूर के खेतों में आपको दिख रहा होगा, वैसे इतने दूर तक तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सब ने धान की रुपाई कर ली है। कल हमारे वहाँ पर भी है। और शुभी बच्चा ये रहा, शुभी के लिए मैंने तारक मेहता का छोटा चश्मा लगा रखा है, तो ये तारक मेहता का छोटा चश्मा देख रही है। और बस पहले तो मैं सामान को सेट करती हूँ, जो भी मतलब बैग में कपड़े हैं उनको सब सेट करती हूँ, थोड़ा रूम ठीक करती हूँ, फिर करती हूँ खाने पीने की तैयारी। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय बाय।